हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर्यन 45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डिस्काउंट यानी छूट। अब छूट क्या है, जैसे आप लोग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाया जाता है, जैसे हर कपड़े पे लिखा होता है 50% छूट, किसी कपड़े पे 10% छूट, तो इस प्रकार से वहाँ पे लिखा होता है। तो वो होता क्या है, 50% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, ठीक है। तो उसको जानने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ हानि, ये सब है क्या। अगर आप लोग इसे जान जाएंगे तो आप लोग डिस्काउंट भी जान जाएंगे, डिस्काउंट होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बस 1-2 मिनट में ये सब क्लियर कर दूँगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने ये है भैया हिटमैन का बैट। किसका बैट? हिटमैन का। अब मान लीजिए इसकी जो है मार्केट वैल्यू यदि अंकित मूल्य, मान लीजिए इसका अंकित मूल्य है 500, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। अब अंकित मूल्य होता क्या है, जो रेट उस पर फिक्स होता है, मतलब जो उस पर होता है ना मार्केट प्राइस उस पर लगी होती है, तो उसको बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, जो उस पर अंकित होता है, वस्तु का दाम जो उस पर अंकित होता है वही उसको अंकित मूल्य बोल देते हैं। अब जैसे इस पर तो मान लीजिए 500 मार्केट प्राइस है, अब मान लीजिए दुकानदार इसको खरीद के लाया था कितने में, 400 में। 400 क्या है, क्रय मूल्य यानी CP, CP को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अब 400 का खरीद के लाया है और उस पर स्टिकर लगा है 500 का, अंकित मूल्य लिखा गया है 500, ठीक है। अब मान लीजिए वो बेच रहा है इसे 600 में, बेचना यानी सेलिंग प्राइस, जिस वस्तु जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब देखिए इस पर 500 मार्केट प्राइस है, मतलब MRP 500 अंकित मूल्य है, लेकिन खरीद के लाया था 400 में तो इसको बोलेंगे क्रय मूल्य, और बेच रहा है 600 में तो इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अब बताइए उसको 600 में बेचने पर लाभ होगा कि हानि होगा, वो तो खरीद के लाया था 400 में और बेच रहा है 600 में। यहाँ पे है देखिए, ये है क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य, मतलब बेचने वाला मूल्य। 400 में खरीदा, 600 में बेचा, तो उसको क्या हो गया, उसको तो होगा लाभ। अगर वो मान लीजिए 400 का खरीदा है 300 में बेचेगा, तब उसको हो जाएगा क्या, तब उसको हो जाएगा हानि। तो ये है सब आपका, क्लियर हो गया आपका CP यानी क्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, MP अंकित मूल्य, लाभ मतलब कि प्रॉफिट, और L मतलब लॉस हानि। तो ये है 5 चीज़ें, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ हानि। अगर आप लोग इन्हें समझ जाएंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट समझना काफ़ी आसान होगा। तो चलिए अब मैं डिस्काउंट भी आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोग मॉल में जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्या, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 75% ऑफ, 75% डिस्काउंट या 75% ऑफ, तो ये होता क्या है। चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ क्या लिखा गया है 75% ऑफ। मान लीजिए एक आप लोगों ने स्वेटर ले लिया, ये वाला लेडीज स्वेटर। अब मान लीजिए इस पे लिखा गया है क्या, 50% ऑफ, क्या लिखा गया है, 50% ऑफ, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मूल्य है 300, इसका मूल्य इस पर अंकित किया गया है, अंकित किया गया है मतलब मार्केट प्राइस इसका क्या है 300, और उस पर चिपका दिया गया है क्या 50% ऑफ। तो सबसे पहले इसकी का मतलब समझिए, 50% ऑफ होता क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 50% ऑफ है तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 50/100, ठीक है, 50/100, यानी अगर 100 रुपये दाम है तो उसमें 50 रुपये का छूट है। अगर 100 रुपये मतलब उस पर अंकित किया गया है, अगर 100 रुपये उसका दाम है तो उस पर 50 रुपये का छूट है, ठीक है, 100 पे 50 का छूट है, तो 300 पे कितना का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 तीन गुना हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 150, यानी 300 का है तो 150 छूट है। ध्यान से समझिएगा, फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे देखिए मार्केट प्राइस कितना है,
मार्केट प्राइस इसका कितना लिखा गया है, 300 लिखा गया है। अब इस पर बोला गया है डिस्काउंट है इस पर 50%। 50% ये क्या है, ऑफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50% ऑफ। तो समझ जाइए, यहीं से आप लोग शुरू कर दीजिए। 50% मतलब कि 50/100 लिख सकते हैं। अगर आप लोग काट देंगे पूरा तो ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 मतलब 2 रुपये में 1 रुपये की छूट। अगर दाम 2 रुपये है तो उस पर 1 रुपये की छूट है, मतलब बेचा कितने में जाएगा, 2 - 1 एक में बेचा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, 2 रुपये में 1 रुपये की छूट है, तो आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 300। ठीक है, तो ये कितने गुना है, 150। तो यहाँ पे भी 150 गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, 50% आप 50/100, 100 में 50 की छूट, 100 में 50 की छूट है तो 300 में कितने की छूट होगी, यहाँ पे 3 गुना हो गया तो यहाँ पे भी 3 गुना कर देंगे, 150। यानी अगर 300 का स्वेटर है तो उस पर 150 की छूट है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि अगर 50% डिस्काउंट है तो इसका दाम कितना है, तो इसका दाम कितना है, 150। अब 150 कैसे आया, अभी आप लोगों ने देखा। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये बैट है इसका दाम लिखा गया है 1000, मार्केट प्राइस है इसका 1000। अब इस पर बोला गया है कि 25% ऑफ है, 25% क्या है, ऑफ मतलब 25% इस पर छूट है। तो अब इसका दाम बताइए, 1000 क्या है, मार्केट प्राइस है क्या, 1000। अब 25% ऑफ इसका मतलब समझिए, 25% मतलब 25/100। ठीक है, 25/100 यानी 100 रुपये में 25 की छूट है। अब 100 रुपये में जब 25 की छूट है तो यहाँ पे हो रहा है 1000, यहाँ पे कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो यहाँ पे भी 10 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। अब इस पर 25% डिस्काउंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया है, इसका मान हो गया 250। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे है ये, इसको देख लीजिए, ये है पैंट। अब इसका दाम मान लीजिए है मार्केट प्राइस, इसकी मार्केट प्राइस है 400। अब इस पर एम मार्केट प्राइस तो हो गया, अब इस पर मान लीजिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट मान लीजिए है 15%, इस पर 15% का डिस्काउंट है। अब 15% का मतलब क्या होगा, 15/100, 15/100 यानी 100 रुपये पे 15 रुपये की छूट। तो आप लोगों को निकालना है 400 रुपये पे कितने की छूट होगी, 400 रुपये पे कितने की छूट होगी, देख लीजिए यहाँ पे 4 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना, तो यहाँ पे भी 4 गुना कर देंगे, 15 चौका 60, यानी अब 400 दाम है तो उस पर 60 रुपये की छूट होगी। तो ये है छूट, डिस्काउंट आप लोग ऐसे निकालेंगे। अब मान लीजिए डिस्काउंट निकल गया, तो अब इसका दाम कितना हो गया, 400 में से 60 माइनस कर दीजिए, 15% डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो इसका 400 माइनस 360 करेंगे तो ये आएगा 340। ठीक है, अगर आप लोग इस पैंट को लेते हैं तो ये पड़ेगा आप लोगों को 340 में। तो ये है डिस्काउंट का मतलब। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर एक से एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ। तो अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।